नमस्कार, मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश के किन किन इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, कम दबाव का क्षेत्र कहां पर है, अगला कम दबाव का क्षेत्र कब बनने जा रहा है और किस तरीके से पूरे मानसून को प्रभावित करेगा। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं मौसम का बुलेटिन। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में कहां कहां बादल छाए हुए हैं। तो सैटेलाइट इमेजरी में साफ साफ नज़र आ रहा है, ये इसरो के सैटेलाइट से ली गई इमेज है। इसमें कई चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक ज़बरदस्त एक्टिविटी गुजरात के इलाके में चल रही है। गुजरात का इलाका साथ ही साथ सौराष्ट्र के इलाके में ज़बरदस्त एक्टिविटी है। कच्छ के इलाके में भी ज़ोरदार बादल छाए हुए हैं। साथ ही साथ राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के एक बड़े इलाके में जिसमें बाड़मेर, जालौर, सिरोही, इस इलाके में बादलों की आवाजाही है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में भी बादलों की आवाजाही है, चुरू में भी बादलों की आवाजाही, गंगानगर में भी बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। साथ ही साथ दौसा, जयपुर, अलवर और आसपास के इलाकों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बादल छाए हुए हैं। अगर हम बात करें कच्छ की, कच्छ में घने बादल हैं, पाटन में घने बादल हैं, बनासकांठा में ज़ोरदार तरीके की एक्टिविटी चल रही, गांधीनगर, खेड़ा और इसी के साथ हम राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, अमरेली, जूनागढ़, इन सारी जगहों पर ज़ोरदार तरीके की एक्टिविटी चल रही है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है तो इंदौर, देवास और वेस्ट नीमार और बरवानी, इन सारी जगहों पर ज़ोरदार तरीके से क्लाउडिंग चल रही है। बुरहानपुर में भी घने बादल छाए हुए हैं, बैतूल में भी बादलों का आना जाना है। हरदा की बात करें तो हरदा में आसपास के इलाकों में रह रहकर बारिश हो रही है। नरसिंहपुर की बात करें, नरसिंहपुर और जबलपुर के आसपास, सिवनी, छिंदवाड़ा, इन सारी जगहों में बादलों का घना जमावड़ा है। उमरिया, कटनी में भी बादलों की आवाजाही है। पन्ना के आसपास के इलाकों में बादलों का आना जाना लगा हुआ है। विदिशा में भी यही स्थिति है। चलिए हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ से लेकर मथुरा तक जो है बादलों का आना जाना अगले कुछ घंटों में और ज़ोरदार तरीके से बढ़ जाएगा। साथ ही साथ बदायूं, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी और के साथ साथ कन्नौज, इटावा, जालौन में भी बादलों का आना जाना है। महोबा की बात करें तो महोबा में भी बादलों की आवाजाही है, हमीरपुर में भी बादलों की आवाजाही है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में, खासतौर पर बिहार की हम बात करें तो पश्चिम चंपारण में बादलों का जमावड़ा है और इसी के साथ नेपाल के एक बड़े इलाके में, चाहे वो काठमांडू हो, पोखरा हो, इन सारी जगहों पर बादलों की गतिविधियां हैं। और यहां पर अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं घाटी के इलाके में बादलों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कहीं धूप तो कहीं छांव है, लेकिन आने वाले दिनों में ज़बरदस्त तरीके की एक्टिविटी देखी जाएगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो दिल्ली NCR में बादलों की घनी हम कह सकते हैं छांव रहेगी, साथ ही साथ कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजनांदगांव और रायपुर और आसपास के इलाकों में ज़ोरदार तरीके से जमावड़ा है। और महाराष्ट्र के तो कहने ही क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं विदर्भ से लेकर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के एक बड़े इलाके में, कोंकण के इलाके में घने बादलों का जमावड़ा है। और यहाँ पिछले 24 घंटे में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है, चाहे वो मुंबई हो, रायगढ़ हो या रत्नागिरी का इलाका हो, मुराद, जंजीरा हो, सब जगह पर झमाझम बारिश रिकॉर्ड की गई है। गोवा के आसपास घने बादलों का आना जाना लगा हुआ है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कर्नाटक में भी यही स्थिति है। और दूसरी तरफ अगर हम चलें तो हम कह सकते हैं उड़ीसा के इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो जाजपुर और कटक के इलाके में घने बादल हैं और ये बादल, ये कहा जा रहा है आने वाले दिनों में और ज़्यादा घने हो जाएंगे। इसी तरीके की स्थिति हम कह सकते हैं सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में बादलों का आना जाना लगा हुआ है। साथ ही साथ असम के इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो कछार और करीमगंज के इलाकों में ज़ोरदार तरीके से बादलों की आवाजाही बनी हुई है। त्रिपुरा और मिजोरम में भी हम कह सकते हैं बादलों का आना जाना ज़ोरदार तरीके से बढ़ रहा है। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले जो घंटे हैं, यानी आने वाले जो दिन हैं, वो ज़बरदस्त तरीके की बारिश लाने जा रहे हैं। किन इलाकों में? गुजरात में भयानक बारिश होनी है, महाराष्ट्र में भयानक बारिश होनी है। साथ ही साथ कोंकण के इलाकों की अगर हम बात करें, वेस्टर्न घाट की बात करें, सह्याद्री पर्वतमाला की बात करें तो निश्चित तौर पर वहाँ पर ज़ोरदार तरीके की बारिश का अनुमान है। आखिरकार कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, किस तरीके की लाइटनिंग चल रही है इस समय, अगर हम
पिछले 24 घंटे की बात करें तो निश्चित तौर पर तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है, साथ ही साथ विदर्भ के इलाकों में जोरदार बारिश हुई है, आंध्रा में जोरदार बारिश हुई है और इसी के साथ महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा गया है, गुजरात में झमाझम बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग का कहना है आने वाले कई दिनों तक जोरदार जबरदस्त बारिश रहेगी। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं इस समय लाइटनिंग कहां कहां चल रही है, किस तरीके से बिजली कड़क रही है। चलिए आपको दिखाते हैं कि मौसम विभाग कहां कहां पर लाइटनिंग दिखा रहा है। तो इस समय यानी हम कह सकते हैं पिछले आधे घंटे में अगर हम देखें तो हम यहां पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त लाइटनिंग का दौर जारी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का वो इलाका जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है वहाँ ज़बरदस्त लाइटनिंग का दौर जारी है और इसी के साथ गुजरात के इलाकों में भी रह रहकर बिजली कड़क रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा के इलाके की, त्रिपुरा में भी लाइटनिंग का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में ये लाइटनिंग और ज़बरदस्त हो जाएगी, लिहाजा लाइटनिंग से बचने की ज़रूरत है क्योंकि जहां पर लाइटनिंग ज़्यादा होती है वहां पर बिजली गिरने का खतरा रहता है। और इस बार के मानसून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरे मानसून सीजन में ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग देखी गई है। लाइटनिंग यानी बिजली का कड़कना, कई बार आप देखते हो कि कौंधा लपक रहा है, गांव में बोलते हैं कौंधा लपक रहा है, कौंधा मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से कोई कैमरे से फ्लैश लाइट जला रहा हो, इस तरीके की स्थिति होती है और लोग उसको बड़े मनोरंजक ढंग से लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत से जानवरों की अगर हम बात करें खासतौर पर तो उनमें भी डर पैदा हो जाता है। डरना स्वाभाविक है, क्यों डरना चाहिए? डरना इसलिए चाहिए कि अगर आपको लगातार बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है तो निश्चित तौर पर आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए। और अगर साथ ही साथ ये हो रहा है कि बिजली की जो यानी प्रकाश है और साथ ही साथ जो आवाज़ आ रही है वो दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, आप उनमें फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब बिजली आसपास ही गिर सकती है, लिहाजा और ज़्यादा सतर्क हो जाइए। कहीं अगर तालाब में है या हम कह सकते हैं नदी के अंदर हैं तुरंत बाहर आ जाइए और सुरक्षित जगह पर चले जाइए। चलिए ये तो बात हो गई लाइटनिंग की, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है, क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र इस समय मध्य भारत में ज़बरदस्त तरीके की बारिश का हम कह सकते हैं स्रोत बन चुका है। तो दूसरी तरफ मौसम विभाग का कहना है 11 सितंबर को एक और कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। पहले जैसा कि मॉडल दिखा रहे थे 13 तारीख के आसपास हम इसको बता रहे थे, लेकिन मौसम विभाग का कहना है ये कम दबाव का क्षेत्र 11 तारीख को बनेगा, यानी और जल्दी बन रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। तो न्यूमेरिकल मॉडल में आप देखिए कि क्या स्थिति है। तो न्यूमेरिकल मॉडल की अगर हम बात करें जो प्रेडिक्शन है ये अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। अब इस 24 घंटे में कई चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है, अच्छी तरीके से बारिश हो सकती है। यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में रहेगा, साथ ही साथ नेपाल के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश देखी जाएगी। लेकिन चिंता की बात इस समय हिमालय नहीं है, चिंता की बात है हम कह सकते हैं कोंकण का इलाका, यानी कोंकण के इलाके में खासतौर पर मुंबई के दक्षिण में अगर हम बात करें तो भारी से बहुत भारी बारिश होनी है। मुंबई से लेकर रत्नागिरी के बीच में भारी से बहुत भारी यानी अतिवृष्टि की आशंका है। जहां पर आप नारंगी रंग देख रहे हैं वहां पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश 24 घंटे में हो सकती है और एक बड़े इलाके का ये नक्शा है। और इसमें जो दिखाया जा रहा है ये भी हो सकता है कि मुंबई से लेकर रत्नागिरी के बीच में जगह जगह झमाझम बारिश हो। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं मुराद के इलाके में, रत्नागिरी के इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है और इसकी वजह यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र है। ये कम दबाव का क्षेत्र क्या कर रहा है, महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में बारिश दे रहा है, साथ ही साथ वेस्टर्न घाट में ज़बरदस्त तरीके से जो मानसून की हवाएं टकरा रही हैं यानी सह्याद्री पर्वतमाला से उठकर वो झमाझम बारिश दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो गुजरात के एक बड़े इलाके में भारी बारिश की संभावना है और ज़्यादातर जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। इसी के साथ राजस्थान के खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में ज़ोरदार बारिश रहेगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी, इसी तरीके से बिहार के इलाके में रहेगी। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर कई जगह पर भारी से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। और यहाँ दूसरी तरफ देखें तो तमिलनाडु और आंध्रा में बारिश कम रहेगी। तेलंगाना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश हुई है लेकिन अब बारिश से निजात मिलती नज़र आ रही है। चलिए 9 तारीख की बात कर लेते हैं। 9 तारीख की स्थिति अगर हम देखें तो 9 तारीख को निश्चित तौर पर कहा जा सकता है गुजरात के लिए बहुत भयानक होने जा रहा है। गुजरात के लिए जो बताया जा रहा है सौराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश यानी कई इलाकों में हम कह सकते हैं फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और दक्षिण गुजरात की बात करें, दक्षिण गुजरात के एक बड़े इलाके में खासतौर पर दक्षिण गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र का जो इलाका उससे लगा हुआ है, सटा हुआ है, वहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश होनी है। यानी मुंबई के
उत्तर में जबरदस्त भयानक बारिश होने का अंदेशा मौसम विभाग जता रहा है। यानी गुजरात के लोगों को 9 तारीख को सतर्क रहना पड़ेगा, 8 और 9 तारीख को, साथ ही साथ मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने जा रही है। और इसी के साथ यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। नेपाल में भी यही स्थिति रहेगी, उत्तर प्रदेश में भी हम कह सकते हैं रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में, पंजाब हरियाणा के साथ साथ पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो इस समय जो स्थिति चल रही है वो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और उसके पीछे एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। मानसून इस समय सक्रिय फेज में है और ऐसी स्थिति में अगर हम कह सकते हैं कई इलाकों में जबरदस्त फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में। यानी हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों को खास तौर पर सतर्क रहना पड़ेगा। वहाँ जो सैलानी जाने की योजना बना रहे हैं उनको फिलहाल अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि कई जगहों पर फ्लैश फ्लड्स की सिचुएशन पैदा हो जाएगी और कई जगहों पर लैंडस्लाइड की आशंका रहेगी, क्योंकि सितंबर की जो बारिश होती है लैंडस्लाइड लाती है, क्योंकि जो पहाड़ हैं वो सैचुरेट हो चुके होते हैं। अब जो भी बारिश होगी वो निश्चित तौर पर जबरदस्त तरीके की स्थिति पैदा करेगी। आइए आगे दिखाते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो आगे की स्थिति अगर हम देखें तो 9 तारीख के बाद 10 तारीख को भी स्थिति बहुत ज़्यादा बदल नहीं रही है। 10 तारीख को अगर आप देखेंगे तो 10 तारीख को देख सकते हैं कि सौराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश, गुजरात के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश, दक्षिण राजस्थान में भारी बारिश, और साथ ही साथ ये जो सिस्टम है ये कम दबाव का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं राजस्थान के ऊपर पहुंच जाएगा, पंजाब हरियाणा दिल्ली इन सभी जगहों पर जोरदार बारिश है, उत्तर प्रदेश में भी बारिश रहेगी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में बारिश रहेगी, बुंदेलखंड में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट के इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी। और इसके अलावा चेतावनी की बात यही है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका इंटरैक्शन लगातार चलता रहेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। तो ये स्थिति लगातार बनी रहेगी। 11 तारीख की स्थिति अगर हम देखें तो 11 तारीख को देखिए किस तरीके की स्थिति रहेगी। यहाँ पर जो कम दबाव का क्षेत्र है वो दिल्ली के पास पहुँच जाएगा, यानी दिल्ली NCR के आसपास पहुँच जाएगा, और हम कह सकते हैं राजस्थान में कई जगहों पर भारी बारिश का आशंका है, खासतौर पर दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के एक बड़े इलाके में, उदयपुर कोटा रीजन की अगर हम बात करें, जालौर की बात करें तो उन इलाकों में, जोधपुर की बात करें, भारी बारिश की आशंका है। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका भी असर देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में रह रहकर बारिश जारी रहेगी और तराई के इलाके में भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दिल्ली के आसपास में रह रहकर बारिश होती रहेगी। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, आगरा से मेरठ के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी जोरदार बारिश रहेगी, और यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हो जाएगा जिसका असर आगे देखा जाएगा। ये देखिए 12 तारीख को आप देखिए किस तरीके की स्थिति बन रही है। यहाँ दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश, साथ ही साथ राजस्थान के इलाकों में भारी बारिश और गुजरात रीजन में भारी बारिश की आशंका है, और मध्य प्रदेश में भी जोरदार बारिश, उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रह रहकर बारिश रहेगी। यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बिल्कुल दिल्ली के पास पहुँच जाएगा, और दूसरा कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर हम कह सकते हैं उमड़ घुमड़ रहा है, 11 और 12 तारीख को बनेगा, जिसका असर इस मानसून के इलाके पर पड़ेगा। चलिए आगे की स्थिति देखते हैं, 12 के बाद 13 तारीख की स्थिति देख लेते हैं। 13 तारीख को ये जो क्षेत्र है वो और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। इसको मजबूती कौन दे रहा है? दूसरा जो कम दबाव का क्षेत्र है वो अपनी कुर्बानी देगा, उसकी वजह से ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश रहेगी, यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, लगातार बारिश होती रहेगी, उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा, वेस्टर्न घाट में मुंबई से लेकर गोवा तक भारी बारिश का दौर देखा जाएगा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ हम मध्य प्रदेश के इलाकों में भी भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। रह रहकर हम कह सकते हैं राजस्थान के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और गुजरात के इलाकों में भी बारिश रहेगी। चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं, 14 तारीख की स्थिति देखिए। 14 तारीख को ये कम दबाव का क्षेत्र देखिए किस तरीके से इस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके के बारिश का दौर जारी रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर बारिश कम हो रही है, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं दक्षिण राजस्थान के साथ साथ यहाँ पर गुजरात के इलाकों में, मुंबई के इलाकों में जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा, और महाराष्ट्र में भी बारिश का दौर रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, 15 तारीख की स्थिति देखिए। 15 तारीख को क्या रहेगा? 15 तारीख को हम कह सकते हैं एक बार फिर से गुजरात के इलाके में भारी बारिश का सिलसिला वापस आएगा, साथ ही साथ यहाँ पर राजस्थान के इलाकों में भी बारिश होगी, और यहाँ जो कम दबाव का क्षेत्र है वो बंगाल से होता हुआ मुख्य भूमि की तरफ चल देगा, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट पर जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं
16 तारीख की, 16 तारीख को देखिए किस तरीके से पूर्वी भारत में बारिश बढ़ जाएगी और गुजरात में भारी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। यानी राजस्थान के पूर्वी इलाके में रह रहकर बारिश जारी रहेगी, मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश रहेगी, मध्य भारत में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। चलिए 17 तारीख की बात कर लेते हैं। 17 तारीख को ये कम दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुँच जाएगा और यहाँ गुजरात में भी बारिश रहेगी, साथ ही साथ राजस्थान में भी रहेगी, मध्य प्रदेश में भी रहेगी और उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में रहेगी और मेघालय में हम कह सकते हैं 17 तारीख को भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं मौसम जबरदस्त तरीके से करवट लेने जा रहा है। दो दो कम दबाव के क्षेत्र हैं जिसकी वजह से मानसून झमाझम बारिश देगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।